गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी दिन का करंट अफेयर का क्वेश्चन छूटा है ना, दो दो दिन का एक एक वीडियो में लेके मैं कंप्लीट करा दूंगा, भरोसा रखना। अब एक चीज़ आप लोग बताना, मैं इंग्लिश की क्लासेज भी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, मगर जिस दिन जैसे दो दिन इंग्लिश करा दिया करेंगे और पाँच दिन हिंदी, इस तरीके से एक वीक को ऐसे डिसाइड कर लें और आप बता देना। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका निजवाचक सर्वनाम से रिलेटेड। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं याद रखो, छः। कौन कौन सा होता है? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। सर्वनाम की संख्या पूछ ले तो कितनी होती है? 11। अच्छा चलो इतना याद रखो। अब इसमें पूछ रहे हैं निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ, ये याद रखना, क्योंकि मेरे ना रीट में बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए गलत हुए क्योंकि मैं ये नहीं पढ़ पाता, मतलब जल्दबाजी में, तो इन चीज़ों का याद रखना, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, देखो वे अपने आप चले जाएंगे, अपने आप खुद की बात हो रही है। निजवाचक का मतलब समझ लो खुद, ठीक है। वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है, ये भी खुद हो गया, ये भी खुद हो गया। मैं आप लोगों का बहुत आभारी रहूँगा, आप मतलब दूसरे की बात कर रहा है, खुद की बात नहीं कर रहा है, तो ये काट दो। किसान अपने आप में, अपने आप मतलब खुद में, तो ये तीन तो खुद हो गए, ये सी वाला अलग हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, विशेषण शब्द में, विशेषण शब्द से रहित, बाकी बताना है। विशेषण एक चीज़ याद रखना, विशेषण चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक, ठीक है, याद रखना, ठीक है। विशेषण क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, और जिसकी विशेषता बताते हैं ना फिर उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य, याद रखना। मैं पिछले वर्ष गाँव गया था, वर्ष की विशेषता है कौन सा? पिछला वर्ष, ठीक है, याद रखो। अब देखो, सभा में कम लोग आए थे, ठीक है, दुकान में कुछ फल खरीद, दुकान से कुछ फल खरीद लाओ, थोड़ा खाओ, खूब चबाओ। देखो यहाँ क्या है, खाओ, खाओ क्या होता है? खाना, खाना क्या है? क्रिया, क्या है? क्रिया। थोड़ा खाओ, तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा? क्रिया, विशेषण हो जाएगा, ये विशेषण नहीं बचा, आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है, याद रखना। अब देखो, लोगों की विशेषता है यहाँ पे कम लोग, ठीक है, फल की विशेषता क्या है? कुछ फल, ठीक है, ये सब विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे, पिछले, कम, कुछ, ठीक है, मगर ये थोड़ा क्या है यहाँ पर? क्रिया विशेषण। क्यों है क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण क्या करता है? क्रिया की विशेषता बताता है। खाओ मतलब खाना, चबाओ मतलब चबाना, ये क्या है? क्रिया। खूब और थोड़ा क्या हो जाए? क्रिया विशेषण। आंसर है डी। नेक्स्ट याद रखना, अब इसमें बताना तत्पुरुष समास कौन सा नहीं। समास का विलोम होता है व्यास, समास का अर्थ होता है संक्षेप, ये दो चीज़ तो तुरंत याद रख लिया करो। समास पदों की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार का होता है बताओ? समास पदों की प्रधानता के आधार पर चार प्रकार का, अर्थ के आधार पर छह प्रकार का, ठीक है। अब तत्पुरुष समास भी दो तरीके का होता है, समानाधिकरण और व्याधिकरण, ठीक है, ये याद रखना, इतना सब याद रख लो। अब देखो, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, अधिकरण में क्या आता है? मैं, पे, पर, तो ये पर तो आ रहा है, तो ये तो है, नहीं पूछ रहा है। जलमग्न, जल में मग्न, मैं आ रहा है, ये भी है। सेना नायक, सेना का नायक, सेना का नायक, तो ये क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, यहाँ पूछा है अधिकरण तत्पुरुष, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, नहीं पूछा है, तो आंसर यही हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति, इसे क्या कहते हैं? देखो, इसे कहते हैं कुल केतु, केतु का मतलब झंडा होता है, ये भी याद रखना, झंडा, पताका, ये सब याद रखना, इसके पर्यायवाची है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, याद रखना। और कुलीन, उच्च कुल में जो पैदा होता है ना उसे कुलीन कहते हैं, ठीक है। और कुलकंटक, जो कुल का नाश कर दे एक तरीके, नाश मतलब कंटक मतलब होता है कांटा, जो कुल का हो कांटा, तो बेकार व्यक्ति होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे याद रखो, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि सभी शब्द तद्भव कौन से हैं। तो देखो, शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। अब इसमें से तद्भव पूछ रहा है, तो देखो धैर्य, जिसके ऊपर रा उठ जाए, ये रेफ वाला रा होता है, अधूरा होता है, तो ये तो हमेशा ही तत्सम होता है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। पाषाण, ये तो खुद बोल के ही लग रहा है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो, पत्थर, रुको दोबारा बताता हूँ, ये धैर्य हटा दिया था हमने, ठीक है, पाषाण हटा दिया था, और पुष्प, पुष्प थोड़ी ना बोलते हो, फूल बोलते हो आप तो डेली लाइफ में। पत्थर का तत्सम क्या होता है? प्रस्तर, प्रस्तर, पत्थर का क्या होता है? प्रस्तर। और खा क्या है, किस में आता है? खा तो वैसे भी तद्भव में आता है, किस में आता है? तद्भव में यूज करते हैं हम खा का, तो कोख और पत्थर, ये दोनों क्या है? तद्भव। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि देशज शब्द कौन सा है, तो ये याद रख लेना अलग से। तेंदुआ, तेंदुआ क्या है? देशज। झोंपड़ी भी याद रख लेना, पगड़ी, लोटा, ठीक है, ये याद रख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं, झोंपड़ी, पगड़ी, लोटा, अंटा, खिचड़ी,
ये भी याद रख लो, आंसर क्या है बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें बताना है कि सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, किसके नहीं? देखो चक्षु मतलब क्या होता है आँख, मयंक मतलब क्या होता है, मयंक को मैं बोलूँगा हिमांशु, क्या बोलूँगा हिमांशु, ठीक है। अब इसका बताना अर्थ क्या होगा, मयंक और हिमांशु मैंने बोल दिया। अच्छा ये ना शिव जी के सिर पर विराजमान है, ये हिंट दे दी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। द्वेता आत्मजा, ये तो पुत्री के हो गए, ठीक है। उपल प्रस्तर, ये किसके हो गए, पत्थर के हो गए, वो पत्थर बोल रहा था ना, पत्थर का ही तत्सम ही होता है प्रस्तर, ये लिखा हुआ लिख लेना। अरविंद पुंडरीक, ये सब किसके, कमल के हो गए। सतदल सतपत्र, और जिसके पीछे जा आ जाता है ना, जिसने भी पर्यायवाची पानी के, तो ये बारे अम्बु निर्जल, उनके पीछे जा लगा दो, ये सब कमल के हो जाते हैं। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, अब देखो उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, के द्वारा या से द्वारा, किसी के द्वारा, अगर पेचकस होता तो ढक्कन खुलता, नहीं खुलता, ये पेचकस है तभी तो ढक्कन खुला, तो मतलब सहायता से खुला, किसे, सहायता, ठीक है। तो ये हो जाए करण कारक। अगर अलगाव होता या घृणा होता, ठीक है, या शुरुआत होती या लजाना होता, तो हो जाता आपका अपादान। तो आंसर क्या है इसका सी। कारक चिन्ह कितने हैं आपके, आठ, याद रखना हिंदी में, ठीक है। तत्पुरुष समास में यूज कितने करते हैं, छः, ये भी याद रख लेना। कारक कोई विभक्ति चिन्ह कहते हैं और परसर्ग भी कहते हैं, ये भी याद रख लेना, आंसर है सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा असंगत है। तो देखो जो कम बोलता हो उसे मिष्टभाषी नहीं कहते, मिष्टभाषी होता है मीठा बोलने वाला, इसे क्या बोलते हैं, मितभाषी, मितभाषी, ठीक है। तो इसमें ये गड़बड़ है। अब ये वाला याद रख लेना, कृतार्थ, जिसका काम सिद्ध हो चुका हो, काम अगर सिद्ध हो गया ना आपका, तो कृतार्थ हो गए। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, और किए हुए उपकार को मांगने वाला होता है कृतज्ञ, ठीक है। जो मान ले वो कृतज्ञ, जो न माने वो कृतज्ञ। जो इस लोक से अलग हो, अलौकिक कहते ना, ये तो अलौकिक सब शक्तियाँ हैं ईश्वर में, ठीक है। तो आंसर है डी। बहुत दिन बाद वीडियो बन रही है तो प्लीज़ सपोर्ट करना थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा देखो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये मैंने पता है क्वेश्चन कहाँ से उठाए, ये अभी वो जो हुआ था ना एसआई का पेपर राजस्थान का, वहाँ के क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट की पावर इनफाइनाइट लगा देना इस पर। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसमें लगते हैं, क्रिया में, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं दो तीन। तद्धित लगते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण में, ठीक है, ये सब याद रखना। अब एक चीज़ याद रखना, इसके भेद पाँच हैं, इसके भेद छः हैं। अब कभी भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है, कम से कम 10 बार तो पूछ लिया, बालक में ना का प्रत्यय है, क्या है, का प्रत्यय। इसी तरीके से पूछता है एरा प्रत्यय किसमें नहीं है, तो हमेशा याद रखना उसके साथ आपको मिलेगा सबेरा, सबेरा ना मूल शब्द है, इसमें एरा प्रत्यय मत निकाले आना, ऐसे ही का प्रत्यय आता है बालक में, ठीक है, इसमें अक मत निकाल देना। इनको अलग से नोट करके लिखना, अच्छे लगे क्वेश्चन तो शेयर करना, आंसर है ए। नेक्स्ट, अब देखो संज्ञा उपवाक्य बताना है, उपवाक्य कहाँ से आता है, जितने भी आपके मिश्र वाक्य होते हैं ना वो उपवाक्य में डिवाइड हो जाते हैं। मैंने बताया था संज्ञा उपवाक्य कहीं आ जाए ना तो कुछ मत करना। अब देखो बहुत सारे लोग कहते हैं सर टॉपिक वाइज पढ़ाओ, अब इसे लिख लो ना अपनी कॉपी में अलग से, जहाँ भी आपको की मिल जाए तो उसे कर देना संज्ञा उपवाक्य, यहाँ पर की दे रखा है तो ये हो गया, और जहाँ पर भी की मिल जाए ना वो मिश्र वाक्य होता है, ये भी लिख लो, मिश्र वाक्य के अंदर ही तो आता है संज्ञा उपवाक्य, तो ये क्या हो गया आपका आंसर, जो जिसका जिसकी जिसके ये आ जाए तो क्या हो जाएगा विशेषण उपवाक्य, इसके अलावा और कुछ आ जाए तो वो क्रिया विशेषण में डाल देना, तीन ही चीज़ याद रखो बस, ठीक है। आंसर क्या आ गया इसका बी। अच्छा अब आप बताना कि क्या आपको ये की मिल जाए और पूछ ले संज्ञा उपवाक्य तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे पेपर में, इस पेपर में इसे सॉल्व कर पाओगे, कर पाओगे तो कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना कुछ ये DSSB के लिए गए, किसके हैं, DSSB, ठीक है, बता देता हूँ। बकरी शब्द का पुल्लिंग बताना है, तो बहुत सारे लोग भीड़ लगाएंगे जल्दबाजी में क्यों होता है, मगर याद रखना बकरी क्या है, स्त्रीलिंग, बकरा क्या है, पुल्लिंग, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वनाम को चुनकर भरिए, डैश हमेशा सच बोलिए, तो इसके साथ होगा आप, तू हमेशा नहीं, तुम नहीं, हम नहीं, आप, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से चुनकर बताओ, तो मेरी लड़की का नाम गीता है, आंसर आएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें ये माता शब्द का बहुवचन बताना है, तो एक चीज़ याद रखना, ये माता देखो तार है तो ये क्या बड़े आया, बड़े आकार डंडा, तो इसे बोलते हैं आकारांत, कैसा शब्द है, आकारांत। जब भी आकारांत आते हैं ना तो उनके पीछे ए लगा दिया जाता है, ये वाला याद कर लो, लिख लो कॉपी में, दोबारा नहीं बताऊंगा, लास्ट में बता रहा हूँ। तो माताएं, तो क्या हो जाएगा बहुवचन माताएं, ठीक है। नेक्स्ट, मोहन डैश की बहन सरलाए, विभक्ति को क्या कहते हैं, परसर्ग,
इन्हें क्या कहते हैं? कारक चिन्ह, याद रखना ये 8 है, ठीक है। नेक्स्ट, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बेटा का क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 187 जवाब दोगे आप, ठीक है, बता देना अच्छे से। बाघ शब्द का क्या बनेगा स्त्रीलिंग? तो बाघ का क्या हो जाएगा? बाघिन, और बड़ी ही नहीं आएगी, इन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? इन, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, दोस्त का विरुद्ध बताना है, विरुद्ध बोल लो या ऐसे क्या बोल लो, आप विलोम बोल लो, ठीक है। तो दोस्त का क्या होता है? दुश्मन, ठीक है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया, वो गाना सुना है? तो देख रहे हो, गानों से भी हम बहुत सारी चीज़ रिलेट कर सकते हैं। अब देखो, बहुत सारे लोग कहेंगे सर शत्रुत्व तो क्यों नहीं बनेगा, बहुत सारी चीज़ें ना राइमिंग में चलती हैं, ये भी याद रखना। तत्सम का तत्सम बनता है विलोम, तद्भव का तद्भव बनता है, ये सारी चीज़ याद होनी चाहिए आपको। अब देखो इसमें कह रहा है हिम्मत हारना, इस पद का अर्थ है। अब एक चीज़ आपको ये नहीं पता होगा बहुत सारों को, तो पद क्या होता है? जैसे मैंने लिखा राम, तो राम क्या है? एक शब्द है, क्या शब्द, और कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा में भी कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैंने लिख दिया राम घर जाता है, तो अब ये राम क्या हो गया? अब ये कहलाएगा पद, ठीक है। हिम्मत हारना का मतलब होता है अधीर होना, क्या हुआ? अधीर होना। नेक्स्ट, बुरा शब्द का भाववाचक संज्ञा बताएंगे। भाववाचक संज्ञा 5 तरीके से बनती है, ये याद रखना। संज्ञा के भेद याद रख लो, व्यक्ति, जाति, भाव। जाति होती है समुदाय द्रव्य में डिवाइड हो जाती है, तो उत्पत्ति के आधार पर तो 3 प्रकार की है संज्ञा, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की। बुरा का क्या बन जाएगा? भाववाचक, बुराई, ठीक है। नेक्स्ट, छोटा का भाववाचक संज्ञा। अब देखो आपको यहाँ बहुत आसान लग रही है भाववाचक संज्ञा, मगर ये रीट पेपर आया था ना, तब वहाँ पे भी पूछी गई है। तो छोटा का बनेगा छुटपन, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो ये आपके करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन दो दो दिन के लेके करा देंगे, ठीक है। नॉर्वे शतरंज ओपन ये हुआ था, अच्छा शतरंज को कौन रेगुलेट करती? फिडे है, फिडे इसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये किसने जीता? डी गोकेश ने, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, अच्छा देखो अभी राजा ऋतिक, लास्ट टाइम मैंने जो करंट अफेयर कराया था उसमें बताया था, तो ये कौन बने? नए ग्रैंड मास्टर हैं या नहीं, और कौन से नंबर बताना है इनका, कौन सा नंबर के बने, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो विश्व गुलाल दिवस, गुलाल क्या होता है? रोज, गुलाल का फूल देते हैं, तो फूल देने के लिए कितने लोग होने चाहिए? 2। एक अकेला बंदा फूल देगा? नहीं देगा। अब एक मतलब 2 से ज़्यादा हो गए तो क्या कहेंगे कि आप तुम तो बीच में ही टांग अड़ा रहे हो, तो 2 आदमी होने चाहिए, ठीक है, 2 लोग होने चाहिए, तो 2 22 सितंबर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा 22 तारीख से याद रखना, 22 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? रीट में 2 क्वेश्चन पूछे गए 22 तारीख से, 22 मार्च याद रखना, ये क्या होता है? वाटर डे। 22 अप्रैल याद रखना, ये क्या होता है? अर्थ डे। 22 मई याद रखना, ये क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी डे। तो अब वाटर डे और बायोडाइवर्सिटी डे, ये 2 पूछ लिए गए थे 22 से रिलेटेड, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 21 मई आप लोग बताना कि हम योग दिवस मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द 3 खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। अब देखो खान्स, खान से क्या याद रखोगे? शाहरुख खान। शाहरुख खान जब एक बार अमेरिका गए, तो शाहरुख नाम से ना एक आतंकवादी भी है, तो इनका मिसमैच हो गया, इसलिए इन्हें रोक लिया गया। तो अमेरिका वाले कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि बम चला दें, ठीक है, तो ऐसे याद रखें कावेरी बम जी। और बिल याद करने की ट्रिक है, ऐसा नहीं कोई सीरियस ले जाए इस चीज़ को, ठीक है, मगर जो स्टोरी बताई ना वो मतलब सही थी, ऐसा हुआ था उसके साथ 2-3 बार कम से कम, ठीक है। अच्छा ये केजी अल्फेंस, मैंने बताया था, जोर दे के बताया था, मोदी के ऊपर एक किताब लिखी है, वो किताब का नाम आप लिखना, कौन सी लिखी है, कि फैंस बहुत हैं मोदी के, ठीक है, ऐसे बताया था। नेक्स्ट, अभी देखो किस राज्य ने स्टार्टअप के लिए डिजिटल डिजिटल कौन बनेगा जो सब अच्छा ये बताओ, सबसे ज़्यादा फ़ोन कौन चला सकता है? जो पढ़ा लिखा होगा, या हर कोई चला सकता है? अब बिना पढ़ा लिखा आदमी चला नहीं सकता, तो डिजिटल काम कहाँ होंगे? जहाँ सबसे ज़्यादा लोग पढ़े होंगे। साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ? केरल में। इस तरीके से याद रख लो, आंसर है डी। नेक्स्ट, अब देखो फोर्ब्स की 2021 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर्स कौन है? तो ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आंसर है बी, याद रखना डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चाय पार्क। अब डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाय पार्क कहाँ स्टार्ट हुआ? असम में। असम में ही चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो देखो चाय के काम में ना बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि हाथों से तोड़नी पड़ती है पत्तियाँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं मशीन नहीं चलती वहाँ, केवल हाथों से ही वो तोड़ के डालनी पड़ती टोकरी, तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, मेहनत का काम है। तो काम, काम से याद रखना, काम काम करके ही एक टेम्पल है वहाँ, कामरूपा माता करके ही, एक बार आप लोग सर्च करना, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आंसर है इसका ये, याद रख लेना। नेक्स्ट, अभी देखो फ्रीडम हाउस है, उसने ना इंटरनेट की स्वतंत्रता के मामले में दुनिया का सबसे ख़राब देश किसको कहा है? चाइना। चाइना में कोई स्वतंत्रता नहीं, सब बिल्कुल बंद है, ठीक है, सबसे बर्बाद क्या है? चाइना, स्वतंत्रता के मामले में। नेक्स्ट,
अभी देखो पीएम को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया। एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये कई बार बता चुका हूँ, कितने होते हैं? 17 17 है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एसडीजी कितने, किस कंट्री के को दिया गया? तो ये दिया गया बांग्लादेश, याद रखना इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की वो क्या कैपिटल, कैपिटल आप बताना, ठीक है। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, संप्रति अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं? संप्रति अभ्यास। ये पूछ डायरेक्ट पूछा जाता है किसके साथ करते हैं, ठीक है। और बस आंसर है डी। नेक्स्ट, अब देखो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये कब मनाया गया? 23 सितंबर। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट, यूनेस्को ने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को ने किस यूरोपीय महाद्वीप को सबसे बड़ा संरक्षित नदी घोषित किया गया? तो ये किया गया मोरा ट्रेवा डेन्यूब। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, आंसर है बी। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल स्टैंडर्ड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? फ्रांस, पेरिस। फ्रांस में। और किसका हेडक्वार्टर? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख लेना। इंटरनेशनल रिन्यूएबल इंटरनेशनल IEA, इतना याद रखो। IEA का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी है फ्रांस में, ठीक है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अबू धाबी में, ठीक है, ये भी याद रखो। IEA का कहाँ है? फ्रांस में। इसका कहाँ है? ये यहाँ पे। और यूनेस्को का कहाँ बता दिया मैंने? फ्रांस, पेरिस में, ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, किसी एक को ना थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, चेहरे पे स्माइल लाइएगा किसी गरीब के पे। तो बस इसी के साथ, कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।